पूरे वो कितने में डिवाइड कर दिया था, दो में कर दिया था ना स्पर्मोफाइट्स को। तो एक तो था हमारा, कौन सा था, टेरिडोफाइटा, दूसरा कौन सा है हमारा, स्पर्मोफाइटा, फाइटा, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा है, इसके अगेन चार ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, फोर ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, टेसिलोफाइटा, लाइकोफाइटा एंड स्पिनोफाइटा, एंड फोर्थ कौन सा हो जाता है हमारा, पेट्रोफाइटा। ऐसे करके इसको कितने में डिवाइड कर दिया हमने, फोर में, पेट्रोफाइटा। और ये जो स्पर्मोफाइटे होते हैं, इसको अगेन हम कितने में डिवाइड कर देते हैं, दो में, कितने, दो में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो बहुत पढ़ते आए हुए हैं अभी, अब पता चल जाएगा जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनका सीड्स नेक्ड होता है, सीड्स नेक्ड होता है, सीड नेक्ड का मतलब होता है इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, फ्रूट नहीं बनते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, फ्रूट्स नहीं बनते हैं सीड्स के। और ये ऐसे होते हैं जिनके पास सीड्स का कवर होता है, मतलब फ्रूट के अंदर होते हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म्स फ्लोवर भी नहीं आते हैं, फ्रूट्स भी नहीं बनते हैं, और एंजियोस्पर्म जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लोवर भी आता है और फ्रूट भी बनता है, ठीक है। फिर जिम्नोस्पर्म को अगेन हम किसमें डिवाइड कर देते हैं, चार में, किसमें, चार में, साइकाडस, कोनिफर्स, जिंकोगाल्स एंड फोर्थ कौन सा हमारा, जेनिटाल्स, कौन सा है, जेनिटाल्स। इसके करके जिम्नोस्पर्म को कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं भाई, चार में। फिर हमारा जो एंजियोस्पर्म है इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। ये था पूरे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, समझ आया क्लासिफिकेशन। देखो टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं बनता है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं बनते हैं, इसके चार टाइप, एसिलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा, पेट्रोफाइटा। फिर स्पर्मोफाइटा वो होते हैं जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू बनता है, ये फिर दो अगेन में डिवाइड, दो में डिवाइड कर दिया। जिनके पास सीड नेक्ड होता है, मतलब सीड तो बनेगा, फ्लोवर और फ्रूट नहीं बनते, जैसे उनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिनका सीड्स के कवर होता है और फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, फ्लोवर भी आता है, उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म को हम चार ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, साइकाडस, कोनिफर्स, जिंकोगाल्स एंड जेनिटल्स। ऐसे एंजियोस्पर्म को दो में, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। फिर बाद में हम हर एक जो पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन है आगे हम इसके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन।